अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, आज की वीडियो फ्री स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें सिंध एंडोलमेंट फंड की जो स्कॉलरशिप थी उसके बारे में बताया था। तो उसके नीचे एक कमेंट में एक भाई ने पूछा था कि दो भाईजान, जो सैट की जो स्कॉलरशिप आई है इसमें कितने लाख आपको स्कॉलरशिप मिलती है और इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, इसकी आप ज़रा डिटेल बताते हैं। तो आज की वीडियो मैं स्पेशली इसके लिए बना रहा हूँ। इसमें आपको डिटेल बताऊंगा कि जो स्कॉलरशिप आई है इसमें दोस्तों, एक तो अच्छी बात यह कि आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आप किसी भी यानी कि अगर कैटेगरी से तलब रहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें जो अच्छी बात यह है कि इस पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें जितनी मालूमात हैं आज की वीडियो में आपको तफसील के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट मालूमात जो है वो मिस ना हो सके। तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली ऐसी मज़ीद नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, ईगल टेस्टिंग सर्विस थ्रू के इसके ज़रिए ही आई है स्कॉलरशिप। इसमें लिखा गया सैट स्कॉलरशिप ब्राइट स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2020 एंड 2021। इसमें लिखा गया तमाम तलीमी तरक्याती मुल्कों में नहायत अहम शोबा है, यानी कि इसमें जो बताया गया कि जो दूसरे ममालिक उनमें जो पढ़ाई है उसका स्कोप ज़्यादा है, लेकिन हमारे मुल्क में जो शरह पसमानदगी है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो पढ़ाई की शरह वो कम है। इस प्रोग्राम के ज़रिए दोस्तों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के तलबा जो हैं वो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें दोस्तों फी तुलबा को दोस्तों 1 लाख रुपये पाकिस्तानी मालियत की स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी जो स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होंगे। इसमें जो अप्लाई करने की दोस्तों जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2021 है। सीरियल नंबर बता दूँ इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। सीरियल 1 में लिखा गया पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, यानी कि जिसने मास्टर्स या MS प्रोग्राम किया है 18 साल तलीम और उनका जो CGPA दोस्तों 2.5 से ज़्यादा है वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। सेकंड, ग्रेजुएशन प्रोग्राम बाशमूल MBBS, BDS या बैचलर इंजीनियरिंग की हुई है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट या A-Levels 45% नंबरों से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है इंटरमीडिएट या मसावी, जिसमें कि O-Level आता है और आपके 45% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए इसमें। फोर्थ नंबर पर जो कैटेगरी आती है इसमें मैट्रिक या उससे मसावी आती है, इनके 9वीं 10वीं के तलबा भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके मार्क्स जो हैं वो 45% से ज़्यादा होने चाहिए। स्कॉलरशिप ब्राय फ्री तुलबा 1 लाख रुपये, यानी कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए दोस्तों सेलेक्ट होते हैं तो 1 लाख रुपये की जो स्कॉलरशिप है वो आपको दी जाएगी ताकि आपके जितने भी एक्सपेंस वगैरह हैं उसमें कुछ आपकी जो मदद है वो की जा सके। इसके अलावा दोस्तों आपको बताते चलूँ कि इसका जो पेपर है वो इस तरह का होगा, ये यानी कि मास्टर लेवल का ये पेपर है, आपको सिर्फ MCQs आएंगे 100 मार्क्स के। इसमें लिखा गया है विच कंट्री हैज़ प्रोटेस्ट ओवर द बस सर्विस बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, अमेरिका, बांग्लादेश, ऑल ऑफ द अबव या इंडिया, आपको जो भी आंसर ठीक होगा उस पर आपने टिक कर देना है। इस तरह के 100 MCQs होंगे, ठीक है, और 90 मिनट्स इनके 1.5 घंटे का टाइम होगा जो कि आपको ये फिल करने हैं, और इस तरह का आपको टेस्ट होगा जो कि आपको सिंपली पास करना है, और अगर अच्छे मार्क्स से आप पास करते हैं तो आपकी जो स्कॉलरशिप है उसको कन्फर्म कर दिया जाएगा। इसमें दोस्तों अप्लाई करने का तरीका कैसे है, ये आपको ईगल टेस्टिंग सर्विस थ्रू के आना है इनकी वेबसाइट पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह का आपको पेज मिलेगा जिसमें कि लिखा आ रहा है एडवर्टाइजमेंट, इसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट उर्दू, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा दूँ, ये इसका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ऑफलाइन कराना चाहते हैं पोस्ट के ज़रिए। इसमें ऑनलाइन कराने का भी तरीका है, इसमें सिंपली आपको अपना टेस्ट सिटी सेलेक्ट करना है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, आप जिस भी शहर में टेस्ट देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, अपनी तस्वीर पेस्ट करेंगे, अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे तमाम चीज़ें आपको सेलेक्ट करने के बाद आप अपना नाम देंगे, फादर नेम, अपना CNIC की कॉपी, एज, डेट ऑफ बर्थ, अपना घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये तमाम चीज़ें देने के बाद आपका रिलीजन क्या है, मुस्लिम है, आप डिसेबल हैं या नहीं, जेंडर क्या है, ये तमाम चीज़ें सेलेक्ट करनी है, अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है जिस सब्जेक्ट में इस वक्त आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट डिग्री आपने जो की है, कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आए तो सिंपली सी बात है आपने लास्ट डिग्री मैट्रिक में पेपर दिए होंगे, तो उसकी आपने डिटेल यहाँ पे फराहम करनी है। ये इसका दोस्तों एड्रेस है जहाँ पे आपको ये जो फॉर्म है सेंड करना होगा, ये इसमें एड्रेस है Office No. 2, Plot No. 14, Sector E 11-3, मार्कज़ इस्लामाबाद, यहाँ पे आपको ये पोस्ट करवाना होगा। ये इसमें दोस्तों 500 रुपये का आपका चलान फॉर्म है जो कि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए फैसल बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। इसकी जो कॉपी है साथ में दोस्तों ये आपको अटैच करनी होगी। इसके अलावा कोई भी दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखा गया है सबमिशन देर इज़ नो नीड ऑफ सेंडिंग डिग्री एंड सर्टिफिकेट कॉपीज, सिर्फ आपको ये चलान फॉर्म और इस पर लिखी गई जो इन्फॉर्मेशन है वही आपको इस पते पर सेंड करनी है।
इस पे ऑनलाइन अप्लाई करने का भी तरीका, आप सिंपली इसी भी आएंगे तो यहाँ पे लिखा गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आ जाएगी जिस पे आपको नेम पुट करना होगा, अपनी ईमेल देनी होगी, अपना CNIC का नंबर, शनाती का नंबर, अपना पासवर्ड, उसको कंफर्म करके आप रजिस्टर करेंगे। और इसी में दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा जिसमें कि आपको अपना नाम, फादर नेम, ईच एंड एवरीथिंग पुट करनी होगी और आपका जो ऑनलाइन अप्लाई है वो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जितनी भी डिटेल्स है आपको समझ आ गई होगी इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है। और पूरे पाकिस्तान से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, खास आप किसी भी कैटेगरी से तलब करते हो। तो अगर आपको आज की वीडियो दोस्तों ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।